मैं नरेश कादियान, रिटायर्ड कमिश्नर, बार स्काउट एंड गाइड हरियाणा, मास्टर ट्रेनर इन एनिमल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी। मेरी एक पिटीशन है पंचगव्य के बारे में कि उसकी साइंटिफिक कोई रिसर्च, मेडिसिनल वैल्यू के बारे में कोई है तो मेरे को उपलब्ध कराई जाए। आईटीआई मैंने लगाई थी। जब कमेटी ऑन पिटीशन को लिखा राज्यसभा को, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को लिखा। घूम फिर के वो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस, इसके पास आके पहुंची मेरी पिटीशन और मेरी आरटीआई अपील। सीसीआरएएस ने कहा ये जो भी इनके पास रिसर्च है मैं उसे संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने फिर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ को लिखा, उसने कहा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं रिसर्च इसके बारे में। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को लिखा, उसके पर पहुँची मेरी जो पिटीशन, तो उन्होंने भी कह दिया कि हमने पंचगव्य पे कभी कोई रिसर्च नहीं की। जबकि हरियाणा में और पंजाब में, हिमाचल में और यूपी में गाय को काट सकते हैं मेडिसिनल वैल्यू के नाते, इतनी डिस्क्रिमिनेशन, इतनी कंट्राडिक्शन है। हरियाणा वाला एक्ट 2015 कहता कि कोई गोवंश कट ही नहीं सकता, देसी गोवंश, पर 20 में जो उन्होंने रूल बना रखे हैं उसमें 15 साल से ऊपर नकारा बैल कट सकता है। ये मेन रूल, बेसिक जो प्रिंसिपल रूल है और उसका प्रिंसिपल एक्ट और रूल सेक्शन 20 में जो बनाया उसमें लिखा हुआ है। मैंने इसका विरोध किया और अब तक जारी है। फिर मैंने मांगी परमिशन, भाई मैंने गाय काटनी, परमिशन दे दो, मेडिसिनल वैल्यू है उसके बीफ में। मेरे को वो भी नहीं दी। नहीं दी तो भाई छाने हो जाओ, अब मेरे पास पूरा साइंटिफिक डाटा मेरे पास इकट्ठा है, बीफ में कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और यूपी ये अपने एक्ट को बदलें,